मैंने माउंट स्टोक कांगड़ी 6,135 मीटर फतेह किया है, माउंट गोलफ कांगड़ी 6,125 मीटर फतेह तो किया है। अल्फा ए ग्रेड के साथ मैंने वो पूरा किया है, फिर एडवांस माउंट ट्रेनिंग कोर्स किया है जिसमें मुझे अल्फा ए ग्रेड के साथ, क्योंकि जब आप माउंट ट्रेनिंग फील्ड में होते हैं तो बेसिक कोर्स के बाद आपका एडवांस कोर्स करना ज़रूरी होता है। एडवांस में आप एक्सपीडिशन कर सकते हैं, इसमें आप के पास में फाइनेंसी के साथ साथ वेदर कंडीशन, आपकी फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने बेसिक कोर्स से करा था, लेकिन जो सफ़र था मेरा वो बचपन से ही ख्वाब था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारतीय तिरंगा फहराऊं। है तो इंशाल्लाह मैं वो फ़तेह करूंगी, मेरे लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए मैं उनसे पूरा करूंगी। मैं बोलूंगी तो नहीं, शिकायत तो मैं अल्लाह से ही करूंगी जो मुश्किलात दे रहे हैं। सपोर्ट ज़रूर करें कि 2024 में मैं माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारतीय तिरंगा फहरा के अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने समाज का, हर उसी व्यक्ति का नाम रोशन करूं जो चाहता है बेटियां आगे बढ़ें। जो मैंने जिस कंपनी के थ्रू मैं जा रही हूं उसमें जिस दिन मेरा 1 लाख रुपये पूरा हुआ था उस दिन मैंने वो पहुँचा दिया था परमिट के लिए, क्योंकि एवरेस्ट का जो परमिट है वो आता है $11,000 का। उसके बाद में क्लोथिंग होगा, खाना होगा, शेरपा होगा, वहाँ रूट बनाने के लिए जो लोग होते हैं उनका होगा, और वहाँ समिट का बोनस हो गया। तो पहले तो जो फॉर्मेलिटी है उसके अलावा, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट पर आता है वो आता है परमिट। तो परमिट है $11,000 का, जिसमें मैंने 1 लाख रुपये जमा कर दिया। तो मैं सभी से एक अपील करती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे जितना सपोर्ट कर सके, भले ही आप 1 रुपये ही क्यों ना दें, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ताकि ये मेरा सफ़र आसान हो, यहाँ जहाँ फाइनेंस ही है। बाकी रही प्रकृति की चुनौतियाँ, वो मेरे खुद ही लड़ सकती हैं। मेरा फ़ोन पे नंबर है 9458593361। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किस नाम से है? रिजवाना, रिजवाना के नाम से ये मेरा नंबर है। प्लीज़ आप सब ज़रूर सपोर्ट करना कि मेरा सफल हो जाऊँ। क्योंकि इस अभियान में क्या हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मेरे लोगों ने मजाक उड़ाया, बोलते कि लड़की है ये, लड़की जैसी हद में रहे। ये मैं ये शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप छोटी सी फैमिली से आप निकल कर जाते हैं, उस सपने को बड़े को देखते हैं, तो चुनौतियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। मैंने नहीं किया, लेकिन 24 में मुझे करना है, और इंशाल्लाह ताला होगा। आप सबका सपोर्ट, आप सबकी दुआएं, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनेंस नहीं हो और सपने आपने बड़े देखे हो, सपनों के साथ साथ संघर्ष भी है, तो शायद सहयोग भी ऊपर वाला करेगा। लेकिन बहुत बार कोर्स करने के बाद, एक्सपीडिशन करने के बाद जब सपोर्ट नहीं मिलता, फाइनेंसी सपोर्ट नहीं मिलता, तो छोड़ देते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है हिजावी माउंटेन रिजवाना, और इंस्टाग्राम पर हिजावी माउंटेन रिजवाना है, उस पर मैं मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ। आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी मेरे लिए एक बड़ा सपोर्ट है। तो अगर सपोर्ट होता है तो यकीनन मेरा 2024 में एवरेस्ट फतेह होगा, क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया, जब मैं एक्सपीडिशन आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी उत्तर प्रदेश में हापुड़ पिलखुआ के अंदर, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिजवाना सैफी पर्वतारोही, जो 9 पहाड़ों पर चढ़ चुकी हैं। ये भारतीय मुस्लिम एक ऐसी लड़की है जो भारतीय मुसलमानों का एक नाम रोशन कर रही है। क्या इनके सामने तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं और क्या ये अपील करना चाहती हैं, वही सब कुछ जानने के लिए आज मैं इनके पास पहुँचा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का, आपने मुझे इतना कीमती टाइम मेरे लिए दिया, मेरी आवाज़ को उठाने के लिए आप यहाँ आए, तो तहे दिल से आप शुक्रिया मेरे। रिजवाना, ये बताइए आप मुझे कि अभी तक आपने किस किस पहाड़ पर जो है चढ़ाई की है, चढ़ी हैं, और अब अगला जो मकसद है आपका वो क्या है और क्या परेशानियाँ इसमें आ रही हैं? मैंने माउंट स्टोक कांगड़ी 6,135 मीटर फतेह किया है, माउंट गोलफ कांगड़ी 6,125 मीटर फतेह किया है, माउंट फ्रेंडशिप पीक 5,289 मीटर फतेह किया है, माउंट यूनाम 6,111 मीटर फतेह किया है, माउंट दंगमाचन 5,058 मीटर फतेह किया है, फालुट विंटर ट्रैक फतेह किया है, केदार कंठा विंटर ट्रैक फतेह किया है। कई सारे मैंने ट्रैक किए हैं, 4 मैराथन किए हैं, जिसमें 21 किलोमीटर, जिसमें मुझे गोल्ड और सिल्वर मेडल है। 2012 से 10 से 12 तक मैं वुशु में थी, जिसमें मुझे स्टेट लेवल तक गोल्ड और सिल्वर मेडल है, लेकिन मैंने 2013 में
मैंने माउंटेनिंग कोर्स किया था जवान इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स पहलगाम कश्मीर से किया था, जिसमें मैंने जो माउंटेनिंग की आप फील्ड जिसमें आप जाना चाहते हो तो उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वहाँ कैसे सर्वाइव करती हैं वो सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाती हैं। तो अल्फ़ा ए ग्रेड के साथ मैंने वो पूरा किया है, फिर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया है जिसमें मुझे अल्फ़ा ए ग्रेड के साथ, क्योंकि जब आप माउंटेनिंग फील्ड में होते हैं तो बेसिक कोर्स के बाद आपका एडवांस कोर्स करना ज़रूरी होता है। एडवांस में आप एक्सपीडिशन कर सकते हैं और आपके एडवांस की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि बेसिक में आप चीज़ों को सीखते हैं लेकिन एडवांस में आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें करनी होती हैं, तो वो सब मैंने किया है। और अभी तक मैंने जितने पहाड़ फतेह किए हैं उसमें से मेरा माउंट कुन 7,077 मीटर है, लेकिन वेदर कंडीशन ख़राब थी जिसमें हम कैंप 2 तक ही पहुंच पाए थे। माउंट बंदरपुच उसमें भी हम कैंप 2 तक पहुंच पाए थे क्योंकि वेदर बहुत ख़राब होता है। जो नॉर्मल वेदर हमारे इसमें ग्राउंड में होता है उससे अलग पहाड़ों का वेदर होता है। आप पहाड़ी फील्ड में आप के पास में फाइनेंसी के साथ साथ वेदर कंडीशन आपकी फ़िज़िकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा फील्ड ऐसा है कि इसमें आप बिना फाइनेंस के कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ का क्लोथिंग परमिशन खाना और उसकी ट्रेनिंग उसके अलावा के बहुत सारे खर्चे इसमें होते हैं। मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने बेसिक कोर्स से करा था, लेकिन जो सफ़र था मेरा वो बचपन से ही ख्वाब था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारतीय तिरंगा फहराऊँ। तो उसके लिए मैंने बहुत कोशिश की, सपोर्ट मांगा लोगों से, जहाँ तक हुआ कुछ लोगों ने किया भी, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार जब लोग देखते हैं ना कि भाई उसको तो सपोर्ट हुआ हो गया, उसके लाइफ में इतना सारा मुश्किल नहीं होगा, तो आप जब कोई अचीवमेंट के लिए आप निकलते हैं तो सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो। और हमारा फील्ड ऐसा कि हम बिना फाइनेंस के इसमें कुछ कर नहीं पाते, और जिनको सपोर्ट मिल जाता है वो बेचारे प्रकृति से लड़े खुद से और तो उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे इसमें जो समस्या पैदा हुई सबसे ज़्यादा तो वो हुई फाइनेंस की। तो मैंने कई बार कोशिश की लोगों से, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मांगा, लेकिन थोड़ा सा नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चिट्ठियाँ आई थी मुझे सपोर्ट के लिए, लेकिन वेरिफिकेशन हुई फिर वो चली गई। तो समाज के लोगों से भी बोला, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, तो जो जैसा था उसने वैसा ही किया। खैर कोई बात नहीं, वो एक ज़िंदगी का मेरा एक पार्ट है, वो तो चलता रहेगा। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मुसलमानों के लिए, भारतीय मुसलमानों के लिए एक फ़ख्र की बात है कि एक मुस्लिम समाज की लड़की और पसमानदा समाज की लड़की रिजवाना सैफी जो पहाड़ों पर चढ़ती है और जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पर, वहाँ पर चढ़ने की जो है उसका एक ख्वाब है, और ख्वाब यह है कि वो वहाँ पर जाकर के अपने देश का तिरंगा जो है वहाँ फहराए। ये बताइए, समाज की बात कही आपने, जब मुस्लिम समाज से आती हैं तो एक तो बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, क्या घर परिवार में इस तरीके की पाबंदी, घर वाले कैसे सपोर्ट करते हैं? स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन जब पहली चोटी फतेह की, भारतीय तिरंगा फहरा कर जब मैं लौटी थी तब फैमिली ने सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में जो सपोर्ट था वो मेरे पापा का अभी भी है, और मुझे अभी सपोर्ट हर उस व्यक्ति का है जो कहते हैं बेटियां आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, तो वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो टांग खींचते हैं, जिनका जो काम है वो पूरा करते हैं। तो मुझे किसी से कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं किसी के लिए गलत बोलूँ या कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं है। तो मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी की बेटी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसकी टांग भी मत खींचिए कि वो आगे ना बढ़ पाए। और मैं खुद अपने ऊपर ये कहती हूँ कि मेरी लाइफ में जितना मुझे अचीवमेंट करना वो तो मैं करूँगी, क्योंकि अल्लाह ने अगर मेरे दिल में माउंट एवरेस्ट को फतह करने के लिए दिल में जज्बात दिए हैं, उम्मीद दी है, तो इंशाल्लाह मैं वो फतह करूँगी। मेरे लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए मैं उनसे पूरा करूँगी। मैं बोलूँगी तो नहीं, शिकायत तो मैं अल्लाह से ही करूँगी जो मुश्किलात दे रहे हैं, बाकी इंसानों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं उनसे यही कह सकती हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करें कि 2024 में मैं माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारतीय तिरंगा फहरा के अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने समाज का, हर उसी व्यक्ति का नाम रोशन करूँ जो चाहता है बेटियाँ आगे बढ़ें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कर रही हैं, आपके हौसले उससे भी ऊँचे हैं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। रिजवाना, अभी जैसे आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की बात बताई,
कितना इसमें खर्च है और किस तरीके से लोग आपकी मदद कर सकते हैं? आपका जो अकाउंट नंबर है या पेटीएम नंबर है, जो भी आप लोगों से अपील करना चाहती हैं हमारे ज़रिए, वो किस तरीके से करेंगी और पूरा खुल करके बताइए आप इसमें। देखिए, मैंने जब सामाजिक लोगों से सपोर्ट मांगा था, हुआ भी थोड़ा सा नहीं हुआ, लेकिन 2022 में मैंने सोशल मीडिया द्वारा सपोर्ट मांगा था, जिसमें पहले तनवीर भाई आए थे, उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने सपोर्ट लिया, तो उसमें मुझे सपोर्ट हुआ। फिर उस्मान सैफी सफ़र, उन्होंने मुझे यूट्यूब के द्वारा मेरे लिए अपील करी, तो उसमें 1,38,000 रुपये की मेरी फंडिंग हुई थी, जो मैंने जिस कंपनी के थ्रू मैं जा रही हूँ उसमें जिस दिन मेरा 1,00,000 रुपये पूरा हुआ था उस दिन मैंने वो पहुँचा दिया था परमिट के लिए, क्योंकि एवरेस्ट का जो परमिट है वो आता है $11,000 का। उसके बाद मैं क्लोथिंग होगा, खाना होगा, शेरपा होगा, वहाँ रूट बनाने के लिए जो लोग होते हैं उनका होगा, और वहाँ समिट का बोनस हो गया। तो पहले तो जो फॉर्मेलिटी है उसके अलावा, लेकिन जो फर्स्ट पॉइंट पे आता है वो आता है परमिट। तो परमिट है $11,000 का, जिसमें मैंने 1,00,000 रुपये जमा कर दिया है। तो मैं सभी से एक अपील करती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे जितना सपोर्ट कर सके, भले ही आप 1 रुपये ही क्यों ना दें, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, ताकि ये मेरा सफ़र आसान हो, यहाँ जहाँ फाइनेंसी है। बाकी रही प्रकृति की चुनौतियाँ, वो मैं खुद ही लड़ सकती हूँ, खुद उनसे निकलूँगी, और आप सबकी दुआएं, जो दुआ कर सकते हैं वो प्लीज़ दुआ करें, लेकिन मेरे सफ़र को आसान बनाने के लिए मेरा साथ दें। आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं जो भी आप नंबर यूज़ करते हैं और जो बैंक डिटेल वगैरह है, अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो हम लोग उसको डालेंगे। हाँ, मैं वो नंबर आपका, जो मेरा अकाउंट नंबर है और जो मेरा फ़ोन पे वगैरह नंबर है, तो वो मैं बोल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मेरा फ़ोन पे नंबर है 9458593361। ये मेरा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नाम से रिजवाना के नाम से ये मेरा नंबर है। तो प्लीज़ आप सब ज़रूर सपोर्ट करना कि मेरा सफल हो जाऊँ, क्योंकि इस अभियान में क्या हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मेरे लोगों ने मजाक उड़ाया, बोलते कि लड़की है ये, लड़की जैसी हद में रहे। ये मैं ये शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप छोटी सी फैमिली से आप निकल कर जाते हैं, उस सपने को बड़े को देखते हैं, तो चुनौतियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। पहला, लोग भरोसा नहीं करते, और ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे मान सम्मान को बहुत ठेस पहुँचती है। तो मैंने कई बार सोचा था, जब नहीं हो पाया तो फाइनेंस नहीं हो पाया, सपोर्ट कहीं से नहीं मिल पाया, मजाक उड़ रहा था, मतलब अगर किसी ने 1 दिया तो 100 लिखा, एक अलग सा माहौल जो क्रिएट मेरे प्रति हुआ। तो उसे सोच के मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, अब पीछे हट जाते हैं। लेकिन तो मैंने 2023 में नहीं बोला किसी से कि चलो भूल जाती हूँ, क्योंकि लोगों का कहना था कि जितनी चादर हो आप उतने पैर फैलाओ, आपका बजट नहीं है तो आपने क्यों किया, इस तरह से लोगों को ना अपने शब्दों की जो पहुँचा रहे हैं वो की। लेकिन फिर एक अंकल थे, उनसे बोला कि आप तब तक इस चीज़ को नहीं मुकर सकते जब तक आप इसे मुकम्मल तौर तक ना करें, क्योंकि आज तुम्हें लग रहा है कि भाई तुमने मदद मांगी लोगों से और कुछ लोगों ने अलग सा रिएक्ट करा, उसकी वजह से तुम डर गई, तुमने उस काम को छोड़ दिया, तो वो एक गलत हो जाएगा। अगर हकीकत में आपसे करो कि आपको जब तक उस मुकाम तक आप नहीं पहुँच जाते, तब तक आप लोगों का सामना नहीं कर सकते। और सामना करने का मतलब ये नहीं आप किसी को बुरा बोलो, झगड़ा करो, कुछ ही नहीं। जिस दिन आप फतह कर जाएंगे, जो निगेटिव चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और पॉजिटिवी वो फैल जाएगी। और इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना है। मेरे पापा का इतना सपोर्ट है कि चाहे जो भी हो, हिम्मत मत खोना, और इस हिम्मत के साथ तुम देखना, एक दिन तुम्हारा एवरेज ज़रूर फतह होगा। बहुत ज़्यादा दिलासा, और मैं खुद से भी, मैं नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं एवरेस्ट फतह करूँगी। और ये 2023 में मैंने नहीं किया, लेकिन 24 में मुझे करना है, और इंशाल्लाह ताला होगा। आप सबका सपोर्ट, आप सबकी दुआएं, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। देखिए, ये तमाम उन लोगों के लिए भी हमारा सवाल है जो पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, अलग अलग महाज चला रहे हैं। एक पसमानदा समाज की बेटी, मुस्लिम समाज की बेटी, सैफी बिरादरी की बेटी, एक पूरे देश का नाम रोशन करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तिरंगा फहराने की बात कर रही है, और खुद से भी लड़ रही है, समाज से भी लड़ रही है, और जो आने वाले उसके सामने हालात हैं और जो मौजूदा हालात हैं उसका भी सामना कर रही है। लगातार अपील भी कर रही है लोगों से कि कुछ नहीं तो कम से कम 1 रुपये की मदद करें। लेकिन मदद तो कोई नहीं, लेकिन कहते ना कि
एक दूसरे की टांगें खींचना, उसके हौसलों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। रिजवाना, अभी जो ये सफ़र है आपका पहाड़ों पर चढ़ने का, ये शुरू कहाँ से हुआ? जो ख्वाब था वो बचपन से था कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। एवरेस्ट कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो पापा को बताया, तो पापा कह रहे तो एक थोड़ा सा समझते हैं, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, देखेंगे करेंगे, अभी पढ़ाई कर लो, ये कर लो। तो 2013 में फाइनल हुआ मैं। तो मैंने एक दिन पापा से कहा कि आप तो बोल देते इतना करना है करना है, अभी तो टाइम हो गया, कई लोगों ने एवरेस्ट किया है, मैं भी जाऊँगी एवरेस्ट। सो लेकिन वो चीज़ें थी कि बचपन से मुझे खेलना, अच्छे से अपने फील्ड में माहिर रहना, वो था। तो मुझे एक मौका मिला, जो मुझे पापा ने बात करी थी, तो मुझे एक सीट मिल गई माउंटेनिंग के लिए। तो उसमें मैंने हम कश्मीर गए, कश्मीर में हमने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के दौरान मैं से बेस्ट इंडोर रेंस अवार्ड मैंने जीता था। उसके बाद वहाँ से शुरुआत हुई कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और ये फील्ड मेरा बचपन का, तो ये हकीकत में होगा। तो उसके बाद मैंने 2013 में मैंने किया माउंट स्टोक कांगड़ी 6135 मीटर फतह। वो फतह होने के बाद जो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि सर हम कहाँ जा रहे हैं, कि चांद तक जा रहे हैं। तुम बड़ा ख्वाब रखते हैं लड़कियाँ, चांद तक जाना है, कहाँ तक जाना है। लेकिन जब वो फतह किया और फतह होने के बाद सर कि सर चांद पे हम आ गए, क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है, और रात में हम जब चलते हैं तो हम एक्सपीडिशन के लिए जो फतह के लिए जाते हैं वो हम रात में जाते हैं, ताकि हवा का थोड़ा दबाव कम रहे और सूरज ना निकले, क्योंकि चमक आंखों पे पड़ेगी तो उससे आंखों की खतरा होता है। तो रात में चलते हैं और सुबह तक फतह हो जाता है जब वो हुआ। तो ये उस दिन ये फाइनल था जिस दिन 6135 मीटर फतह हुआ, कि आज ये उस की शुरुआत है कि जब मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराऊंगी। और वो खुशी के पल मेरे के मैं आज तक नहीं भूली, हालांकि मैंने कई एक्सपीडिशन कर चुकी हूँ। 2013 से इसमें बहुत सारी चीज़ें छूटी, बहुत सारे लोग रूठे भी, किसी को मेरा फील्ड पसंद नहीं आया, किसी को लगा कि अकेली लड़की जाती है, कुछ बोलते हैं कि यही क्यों, ये डॉक्टर वकील जज कुछ भी बन सकती थी। लेकिन हर इंसान का अपना एक सपना होता है, मेरा सपना है अपने उन पर्वतों पर भारतीय तिरंगा फहरा कर अपनी एक पहचान बनाना। तो उस पहचान के लिए मुझे बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग जैसे होते हैं वो आपको वैसे ही मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं आज तक। लेकिन मैं एक चीज़ में, जो अब तक का सफ़र है, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट किए, और बहुत सारे लोगों ने कहा मोटिवेट किया कि हम इस बात का फ़ख्र करते हैं कि हमारी बहन बेटियाँ उस मुकाम तक जाती हैं। खाली एक समाज, हर एक हमारे भारतीय, हर वो इंसान सपोर्ट कर देता है जो चाहता है वाकई में बच्चियाँ आगे बढ़ती हैं। और कुछ कहते हैं क्यों, ज़रूरी थोड़ी ना ये करे, कुछ और भी तो कर सकती थी, फाइनेंस नहीं है तो वो क्यों करा, ये सवाल भी आता है। लेकिन अगर फाइनेंस नहीं हो और सपने आपने बड़े देखे हो, सपनों के साथ साथ संघर्ष भी है, तो शायद सहयोग भी ऊपर वाला करेगा। इंशाल्लाह सपने बड़े ही देखने चाहिए, और जो लोग डीमोटिवेट करते हैं उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सरकार जो है 2013 से आप संघर्ष कर रही हैं, शुरुआत की आपने, सरकारें बदली, पहले अखिलेश सपा पार्टी की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिली या आपने कोशिश की, इसमें क्या रहा? हाँ, मैंने कोशिश करी थी लेकिन नहीं मिल पाई थी। हो सकता है बहुत सारी फाइलें जाती हैं, नहीं हमें पैरवी नहीं हो पाई, तो हो सकता है, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने अपनी जो कोशिश करनी थी मैंने की, और मैंने जो समाज से लोगों से बोला, कुछ लोगों ने करा, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने वही क्यों कर रही है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जिस भी इंसान ने जो भी अपने शब्दों को इस्तेमाल किया, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा, तो सब मेरा एक मोटिवेट थे मेरे लिए, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर आज कोई आपको गलत बोल रहा है, कल आप बेहतर वो काम करके दिखा दो, वही वो आपकी रेस्पेक्ट भी करेंगे। तो मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलूँगी, वो हमेशा मेरे लिए एक सम्मान व्यक्ति हैं, चाहे जो भी है, जैसा भी है। और मैं सबसे यही अपील करूँगी कि अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप मेरे लिए दुआ ज़रूर करें, कि मेरा मुश्किलों का जो रास्ता है वो आसान हो। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, खेलों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सारे खिलाड़ी जो हैं सबका हौसला भी बढ़ा रहे हैं, तमाम इदारों से जो जुड़े हुए अलग अलग खेलों में खेलने वाले प्लेयर्स हैं, सबका वो हौसला बढ़ा रहे हैं। हम गुजारिश कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब इधर भी ज़रा अपनी नज़रें गड़ाएं,
देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाह रही हैं आप? मैं हमेशा उनसे यही अपील करती हूँ कि आप खेलों के लिए बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, तो हमारे एडवेंचर के लिए, माउंटेनिंग के लिए भी सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग माउंटेनिंग कोर्स करते हैं, और क्योंकि मैंने तो सपोर्ट मांगा है, मैं अपनी आवाज़ को उठा रही हूँ, लेकिन बहुत बार कोर्स करने के बाद, एक्सपीडिशन करने के बाद जब सपोर्ट नहीं मिलता, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, तो छोड़ देते हैं। मेरी उनसे यही अपील है कि हमारे फील्ड को भी सपोर्ट किया जाए, ताकि जिसका जो फील्ड में है उसको वो जिस उस मुकाम तक वो जाना चाहता है वो उस मुकाम तक पहुँचे। मैं उनसे यही अपील करूँगी, और वो जो भी करें कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अलग अलग जो खेल हैं, लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, जो बच्चे हैं इस फील्ड में कैसे वो दिलचस्पी ले सकते हैं? देखिए, जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट के हैं, तो वो उनके पास अपनी पॉलिसी होती है फाइनेंसी, किस लेवल तक उनको सपोर्ट करना है, कितने एक्सपीडिशन करने के बाद वो सपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो ताकि हम उस लेवल तक काम करें, उसके बाद उनका सपोर्ट मिल जाए, तो उस माउंट एवरेस्ट पर जाकर भारतीय तिरंगा फहराकर अपने देश का नाम रोशन करें। आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, लोग आपको फॉलो करें, अपने चैनल का नाम, अपनी आईडी वगैरह सब बताएं। मेरा यूट्यूब चैनल है हिजावी माउंटेनियर रिजवाना, और इंस्टाग्राम पर हिजावी माउंटेन रिजवाना है, उस पर मैं मोटिवेशन वीडियो बनाती हूँ, आप मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी मेरे लिए एक बड़ा सपोर्ट है अगर आप उसे करते हैं, और आप जो मैंने वीडियो डाली हैं प्लीज़ एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि मैं जो वीडियो डालती हूँ वो मोटिवेशन डालती हूँ, क्योंकि कहते ना आप, कई बार ये सवाल भी लोगों का होता है कि मोटिवेशन बनने के लिए क्या करें, और मोटिवेशन बनने के लिए इंसान जो संघर्ष करता है वही अपने शब्दों से बता पाता है कि संघर्ष क्या है, या संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरू होती है। आलोचनाओं का थोड़ा, अगर कोई आपके बारे में आलोचना कर रहा है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, और अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तो उसको एक रूपरेखा के तौर पर या तो उसे लोगों से बताए हैं या फिर उसका समाधान करें, लेकिन झगड़े के तौर पर ना करें, क्योंकि कई बार हम लोग गुस्से में आकर ऐसे शब्दों का या फिर ऐसे एक्टिविटी का सामना कर देते हैं जिससे खुद को भी तकलीफ होती है और दूसरों को भी, तो ऐसा ना करें। कोई और मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं सभी से अपील करती हूँ कि अगर आप मेरी आवाज़ उठाई है और जिन लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी है, तो प्लीज़ मुझे वो सपोर्ट ज़रूर करें और सहयोग करें, चाहे मुझे सोशल मीडिया द्वारा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबका सपोर्ट है तो मैं उसे कर पाऊँगी इंशाल्लाह। तो उसमें ऐसे नहीं किसी के लिए कोई भी है, अगर किसी का एक कितने एक सब्सक्राइबर भी, एक फॉलोवर भी है, वो भी अपनी आवाज़ उठा सकता है कि वाकई में हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो अगर सपोर्ट होता है तो यकीनन मेरा 2024 में एवरेस्ट फतह होगा, क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया, जब मैं एक्सपीडिशन कर आती थी तो मैं घर पर आ जाती थी, इतना सपोर्ट ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें क्या, जब तक आप सोशल मीडिया पर नहीं होते तो लोगों को पता ही नहीं होता आपने क्या किया। मेरे, आप देख सकते हैं, ये मेरे अवार्ड है यहाँ पे लगे हुए, तो उसे मतलब कि जब कोई भी घर पर आए थे कि तुम्हें किस चीज़ के मिले हैं, तो मतलब माउंटेनिंग के मिले, हमें तो पता ही नहीं था, तो ये भी एक मिस्टेक रही थी मेरी, क्योंकि मैं उस एक्टिविटी को सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आती थी। आप जिस भी फील्ड में हैं, कोई भी है अगर, तो अपने हुनर को सोशल मीडिया पर लेकर आएँ, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस आप करें, और यकीनन कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा, क्योंकि आज के टाइम में जो मैं कह सकती कि अगर आप किसी के पास फाइल दे रहे हो, लोग उसे बोल रहे हो, उससे ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर अगर बोलते हैं तो यकीनन आपकी आवाज़ भी सुनी जाती है और आपको सपोर्ट भी मिलता है। मैंने अपनी आवाज़ को 2022 में सपोर्ट के लिए बोला था, तो मुझे सपोर्ट भी मिला था, उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, आपका भी, क्योंकि आप इतनी दूर से आए मेरी आवाज़ उठाने के लिए, लोगों तक मेरी बात को पहुँचाने के लिए, तो ये भी मेरे लिए एक कामयाबी का एक सफ़र है, तो तहे दिल से शुक्रिया सभी का। चलिए, हमारा मकसद ही यही है, पसमानदा की आवाज़ जो हमारा एक्शाम टीवी, हमारा मकसद ही यही है कि हम उस दबी हुई आवाज़ को लोगों के सामने लाएं, और जो आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंच रही है, हम अपने ज़रिए उस आवाज़ को वहां तक पहुंचाएं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम अभी तक किसी से अपील नहीं करते कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन हम इस वीडियो के लिए ज़रूर कहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और रिजवाना सैफ़ी को सपोर्ट भी करें, इनके चैनल का नाम, इनका पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी ये यूज़ करती हैं वो नंबर भी हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, और इन्होंने बताया भी है।
सपने जब बड़े होते हैं तो परेशानियां भी सामने बड़ी आती हैं, लेकिन हौसले जो हैं वो कहीं से भी कम नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से रिजवाना सैफी के हौसले बुलंद हैं, उस माउंट एवरेस्ट से ऊंचे हैं जिस पर वो चढ़ के तिरंगा फहराना चाहती हैं, ये हमारे लिए और पूरे देश के लिए एक काबिले फ़ख्र बात है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि इस वीडियो का या इस अपील का उन लोगों पर कितना असर होता है जो पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। खासकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और रिजवाना सैफी को सपोर्ट करें ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।